हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज़, आज मैं हूँ हॉबी क्राफ्ट इंडिया में, जहाँ पे आपको प्रीमियम क्वालिटी के आर्ट मटेरियल्स मिल जाते हैं, काफ़ी पॉपुलर ब्रांड के, टोम्बो, सकूरा और भी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड होते हैं। तो आपको पता है मैं ग्रेफाइट और कलर पेंसिल में ज़्यादा काम करता हूँ, तो काफ़ी आर्ट मटेरियल्स हॉबी क्राफ्ट इंडिया ने मुझे भेजे थे, जो कि मैंने वीडियो बनाई थी, उस पर ऑलमोस्ट 2.5 लाख व्यूज़ भी होने वाले हैं, आपने देखा भी था। और काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे जो भी आर्ट मटेरियल्स आपको भेजते हैं हॉबी क्राफ्ट इंडिया वाले, तो आप वहाँ की वीडियो भी रिकॉर्ड करो उनके स्टोर की। तो आप मैं तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा कि इनके स्टोर पे क्या क्या अवेलेबल है और कौन कौन से मटेरियल्स ये बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं और पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एक एक करके सारे मटेरियल्स दिखा दूंगा मैं आपको, और इनकी वेबसाइट और इनके स्टोर की एड्रेस का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। और गाइस, जो भी आप आर्ट मटेरियल्स ऑर्डर करते हो, जो भी ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि टोम्बो, सकूरा और भी काफ़ी ब्रांड है जो कि मैं अभी आपको एक एक करके दिखाऊंगा, तो जो भी आप अमेज़ोन से बाय करते हो वो सब यहीं से होके जाते हैं। तो आप अगर दिल्ली से रहते हो तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ जो भी ड्राइंग मटेरियल्स, जो भी पेंसिल्स वगैरह हैं वो आपको लूज़ में मिल जाएंगी यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्केचिंग के मटेरियल से, जो कि मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं स्केचिंग करता हूँ। तो यहाँ पे हैं सबसे पहले ये टोम्बो की ग्रेफाइट पेंसिल्स, जो कि आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में मैं यूज़ करता हूँ। तो ये हैं मोनो 100 की ग्रेफाइट पेंसिल्स, और ये भी टोम्बो की हैं, और इसमें प्रिज्मा कलर की बोनी है, और ये टोम्बो की ग्रीन वाली जो कि मैं यूज़ करता हूँ, आपने देखा होगा। और ये सब स्केचिंग मटेरियल्स हैं इसमें, और ये लीड्स हैं, ये है मेरी फेवरेट वाली 4B वाली, और टोम्बो की है इसमें सारी 2B HB, और ये हैं सारी मैकेनिकल पेंसिल्स। तो ये हैं सकूरा वाली, और ये हैं टोम्बो वाली, और ये है प्रिज्मा कलर की कलर्ड पेंसिल्स। तो आपको ये लूज़ में मिल जाते हैं यहाँ पे, अगर आप बाय करना चाहें लूज़ में, तो सारे कलर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। और ये भी वही मैकेनिकल पेंसिल्स ही हैं, टोम्बो वाली, जो कि कुछ इस तरह की है। और यहाँ पे वुडन पेंसिल्स हैं ये मोनो 100 की, जो कि ये बॉक्सेस रखे हुए हैं, तो ये बॉक्सेस हैं। वैसे गाइज, मैंने इन मटेरियल्स पे पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है कि किस तरह से इनकी क्वालिटी किस तरह की है, और अनबॉक्सिंग मैंने दिखा रखी है आपको, तो देख लेना, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बाय द वे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पेंसिल्स होती हैं टोम्बो की। मैं आपको एक एक तो अच्छे से दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल हैं और कौन कौन से मटेरियल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो देख लो ऐसे ही। और ये प्रिज्मा कलर की कलर पेंसिल्स हैं, जो कि बॉक्सेस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं सारे, चाहे आपको कितना भी सेट का लेना हो सारे मिल जाएंगे। और ये वाला बॉक्स है जो कि मेरा फेवरेट है, पोर्ट्रेट वाला, तो ये मेरे को बेस्ट लगता है पोर्ट्रेट में, और लूज़ तो आपको मिल ही जाती हैं। तो अगर आपको पोर्ट्रेट के लिए चाहिए कोई कलर पेंसिल्स, तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट रहेंगी। सारी हैं यहाँ पे, सारे बॉक्सेस अवेलेबल हैं। तो ये बॉक्स है 132 का, और 150 वाला बॉक्स भी मिलता है, जो कि यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा आपको। और ये हैं ब्रश पेंस, जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी, तो ये पोर्ट्रेट वाला सेट है जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी। तो ये सारे ब्रश पेन यहाँ पे अवेलेबल हैं, चाहे आपको किसी भी कलर में चाहिए हो, ये कैलीग्राफी में भी यूज़ होते हैं, और शार्पी के मार्कर्स भी हैं, आपको हर किसी कलर में मिल जाएंगे। और इको लाइन के ब्रश पेंस हैं, और गाइस आपको सॉफ्ट पेस्टल और ऑयल पेस्टल भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जो कि ये फिर से ना गिर जाए मेरे से। ये है रेम्ब्रांड के सॉफ्ट पेस्टल्स, जो कि काफ़ी बढ़िया ब्रांड है, और ऑयल पेस्टल भी हैं, सॉफ्ट पेस्टल हैं ये वाले, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, मुंगियो ब्रांड के हैं गैलरी। तो ये आपको सारे शेड्स में यहाँ पे अवेलेबल हैं, और सॉफ्ट पेस्टल भी हर किसी शेड में है यहाँ पे। तो अगर आप सॉफ्ट पेस्टल या फिर ऑयल पेस्टल में काम करते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। और गाइज, ये हैं वानगो की ग्रेफाइट पेंसिल्स, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी। तो ये हैं ग्रेफाइट पेंसिल्स, और यहाँ पे इसकी कलर्ड पेंसिल्स भी अवेलेबल हैं। ये हैं कलर्ड पेंसिल 36 शेड में ही है, तो 60 शेड्स तक आती हैं ये वानगो की ग्रेफाइट पेंसिल्स, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी। और गाइज, यहाँ पे आपको एक्रेलिक कलर भी मिल जाएंगे, जो कि ये सकूरा के हैं, तो ये स्किन टोन वाला है।
तो अभी तक मैं एक्रेलिक में काम किया नहीं है, बट अगर करूँगा तो मैं ये यूज़ कर लूँगा। तो सकुरा के ये हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। सारे ड्राइंग मटेरियल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, पेंटिंग, स्केचिंग। और ये हैं टोम्बो की कलर पेंसिल्स, और ये हैं केजेस लिखित लैब वाले, जो कि मैंने आपको दिखाए थे वीडियो में। मेरे पास भी है ये वाला, तो ये वाला भी है मेरे पास। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं यहाँ पे, ये सारे लिखित लैब के ही हैं। ये है स्टैंड पेन केस, गुड्डा सा बना हुआ है इसके ऊपर। और ये हैं आर्ट बीन के बॉक्सेस, जिनमें आप अपने ड्राइंग मटेरियल्स को स्टोर कर सकते हो। तो मेरे पास भी हैं, तो जो मेरे पास है वो यहाँ पे है ही नहीं अभी, तो फिलहाल वीडियो। सो गाइज, ये हैं बॉक्सेस, तो इसमें आप मार्कर्स रख सकते हैं और भी ड्राइंग मटेरियल्स रख सकते हैं। और इसमें देखो किस तरह के बॉक्सेस हैं, तो ये इस टाइप के बॉक्सेस मिलते हैं यहाँ पे, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, आर्ट भी इनके ही होते हैं। तो वो आप यहाँ पे आके चेक कर लेना, आपको जो भी पसंद आए ले लेना अपने हिसाब से। तो ऐसे बात करते हैं पेपर्स की, तो ये हैं स्केचिंग पेपर्स, और ये हैं वाटर कलर पेपर्स, और ये हैं एक्रेलिक पेपर्स, और ये हैं जो भी हम ऑयल वर्क करते हैं, और ऑयल वर्क और पेस्टल पेपर्स। तो ये सभी पेपर यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि आर्टो के हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पेपर्स हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मेरी ड्राइंग्स में, आर्टो के स्केचिंग पेपर मैं यूज़ करता हूँ चारकोल और ग्रेफाइट के लिए। तो ये पेपर्स यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। और ये हैं कुछ बेसिक से मटेरियल्स जो कि बच्चों के लिए हैं, और ये हैं सिंपल सी देखो कलर्ड पेंसिल्स, और ये मैकेनिकल पेंसिल है, कटर, डबल साइडेड टेप, और ये इरेजर हैं, ये कुछ अच्छा दूसरी साइड से शॉर्पनर है, दूसरी साइड से शॉर्पनर है, एक साइड से इरेजर है। तो ये रंग बिरंगे शॉर्पनर्स हैं, और ये ब्लेंडिंग स्टेम्प्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं ब्लेंड करने के लिए, मैकेनिकल पेंसिल बच्चों के लिए। तो ये सेक्शन पूरा बच्चों वाला है, ब्लेंडिंग स्टम्प को छोड़ के और ये कटर को छोड़ के। और गाइज, ये हैं प्रिज्मा कलर की स्कॉलर कलर पेंसिल्स, जिसका मैंने एक रिव्यू वीडियो भी बनाया था, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मैं इनको अपनी वीडियोज़ में यूज़ भी करता हूँ, आपने देखा होगा मैंने काफ़ी कलर ड्राइंग्स बनाई हैं। तो ये प्रीमियर और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, बट बिगिनर्स के लिए ये है आई थिंक, जो कि ज़्यादा महंगी पेंसिल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए जो सीखना चाहते हैं अभी, तो उनके लिए ये पेंसिल्स मेरे ख्याल से बेस्ट रहेंगी। और आपको 60 शेड में ये अवेलेबल हो जाती हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कोई अच्छी क्वालिटी की कलर पेंसिल्स बाय करने की, जो कि रीज़नेबल हो, ज़्यादा महंगी भी ना हो, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं, प्रिज्मा कलर स्कॉलर, जो कि 60 शेड में है, और लर्निंग आर्टिस्ट के लिए काफ़ी बढ़िया है ये। तो ये हैं प्रिज्मा कलर स्कॉलर कलर पेंसिल्स, और ये कलरलेस ब्लेंडर जो कि काफ़ी बढ़िया है ब्लेंड करने के लिए। और ये हैं कुछ एक्रेलिक वाटर कलर्स, सकुरा के वाटर कलर्स हैं ये, अभी मैं इतना यूज़ नहीं करता हूँ पेंटिंग वगैरह, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ। और गाइज, ये हैं एक्रेलिक कलर्स जो कि रॉयल टैलेंट्स के हैं, तो अप टू 80 कलर्स हैं यहाँ पे, सारे अवेलेबल हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, आपने देखा होगा काफ़ी बाहर के आर्टिस्ट भी इनको यूज़ करते हैं, तो देख लो। तो ये हैं इसके सारे शेड्स। और गाइज, ये हैं सकुरा के जेली रोल पेंस, और माइक्रोन्स हैं, और कैलीग्राफी पेंस हैं, तो ये आपको सब कलर में अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पे, तो वो आके देख लेना आपको कौन सा चाहिए। तो ये सारे सकुरा के पेंस हैं, और ये हैं चॉक पेंस, और ये हैं शार्पी के मार्कर्स जो कि सभी कलर में हैं यहाँ पे, और ये हैं ब्रश पेंस सकुरा के, पहले मैंने आपको टोम्बो के दिखाए थे, और ये हैं सकुरा के ब्रश पेंस। ये हैं कैंपेंप की स्केच बुक्स A6 साइज़ की, और कुछ पेंस वगैरह हैं यहाँ पे, ये माइक्रोन है सकुरा के, और ये भी पेंस हैं, और ये हैं टच के ट्विन मार्कर्स जिस पे मैंने वीडियो बनाई थी, ग्रे वाला शेड था जो मेरे पास। तो ये शिनहैन वाले ये सारे 204 कलर्स हैं। ये हैं मार्कर्स, और ये हैं इनकी रिफिल्स,
जो भी कलर ख़त्म हो जाते हैं तो ये रिफिल हम कर सकते हैं। तो ये ऊपर सारे सेट्स में है। और गाइज ये है सबसे बेस्ट ऑयल कलर्स जो कि हैं रॉयल टैलेंट्स के, और ये सबसे बेस्ट ऑयल कलर माने जाते हैं, और इनका प्राइस 61,000 है, और ये बोल रहे हैं ये सलमान खान के पास भी हैं। तो ये दिखाना एक बार अच्छे से। तो ये सारे यहाँ पे कलर्स हैं, ब्रशेज़ हैं, और ये सारे इसके मीडियम हैं, ऑयल कलर ये वार्निश बोलते हैं इसको, और ये विलो चारकोल, और ये वाइट। तो अभी मुझे इतना कुछ पता नहीं है इनके बारे में क्योंकि मैं अभी ऑयल कलर्स यूज़ नहीं करता हूँ, बट जब करेंगे तो पता होगा। बाय द वे मैंने आपको दिखा दिया कौन कौन से यहाँ पे ऑयल कलर्स, एक्रेलिक वगैरह, वाटर कलर, या फिर जो भी ड्राइंग मटेरियल यहाँ मिलते हैं, तो आप चेक कर लेना यहाँ के। सो गाइस जब मैं आ गया हूँ घर पे, तो जो लोग बोल रहे थे हॉबी क्राफ्ट इंडिया के स्टोर की वीडियो बनाओ, तो ये रही वीडियो, और मैं एंड नहीं कर पाया वहाँ पे क्योंकि मेरे कैमरे की बैटरी खत्म हो गई थी। तो सारा मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, बट उनके स्टोर का जो भी मैंने आपको मटेरियल्स दिखाए, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैंने आपको उनका प्राइस नहीं बताया क्योंकि प्राइस चेंज हो जाता है, कोई फिक्स प्राइस नहीं है क्योंकि बाहर के मटेरियल्स हैं। तो आप अमेज़न पर चेक कर सकते हैं, या फिर उनकी साइट पर चेक कर सकते हैं, या फिर स्टोर पर जाके भी चेक कर सकते हैं। सब कुछ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।